अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा Redmi 9C के बारे में। इससे पहले अगर आपने Redmi 9A की वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में जाके देख सकते हैं। दोनों फ़ोन लेटेस्ट इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं, बहुत ही जल्द पाकिस्तान में मिल सकते हैं। इसमें चिपसेट जो मिलते हैं ना, वो जी सीरीज़ के मीडिया टेक के चिपसेट हैं, जो कि लेटेस्ट ही अभी लॉन्च हुए हैं। ये चिपसेट मीडिया टेक के G70 से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है और ना ही इनकी प्राइस उतनी ज़्यादा होगी। ये आपको बजट सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, 15,000 तक ये पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन पर हम डिटेल बात करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छी वीडियो लगे लाइक जरूर कर देना। तो इसमें आपको LCD वाला डिस्प्ले दिया जा रहा है 6.53 इंच के साथ, 720 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगी और 269 PPI डेंसिटी है। तो HD वाला डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा है, जिस प्राइस में आ रहा है तो आप इसको अच्छा डिस्प्ले कह सकते हैं। एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट इसमें आपको मिलेगी और मीडिया टेक का G35 वाला चिपसेट है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। इसमें आपको कोर्स A53 वाले मिलते हैं, जो कि आपको सैमसंग A21S में मिल जाते हैं, लेकिन उधर 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, इधर 12 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी, और प्राइस का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपको 15,000 में मिलेंगे, वो 33,000 का है। इधर आपको स्पीड काफ़ी इनकी ऑप्टिमाइज की है मीडिया टेक ने, 2.3 GHz तक इसकी आपको ऑक्टा कोर में स्पीड मिलेगी और GPU भी इसका काफ़ी फास्ट किया है इन्होंने, जिधर आपको 680 MHz तक फ्रीक्वेंसी का बूस्ट मिलेगा। और गेमिंग की ये सीरीज़ है तो गेमिंग इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, जो कि अगर आप इसको मीडिया टेक के P35 वाले चिपसेट से कंपेयर करते हैं। इसमें आपको 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज और 3 GB RAM 32 GB वाले वेरिएंट मिल सकते हैं। बैक पे इसमें आपको 3 कैमरे मिलते हैं, जबकि Redmi 9A में आपको एक ही कैमरा मिलता है। 13 MP का मेन कैमरा है, 5 MP का मैक्रो 2 का डेप्थ सेंसर है, फ्रंट पे 5 MP का कैमरा मिल जाता है। टैप सी की सपोर्ट भी इसमें आपको दी गई है और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इजाफी है, जो कि Redmi 9A में नहीं मिलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फ़ोन है 9A के मुकाबले में, यानी कि ये दो फ़ोन आएंगे पाकिस्तान में। आप किसको चूज़ करेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी दी जाएगी 10 वॉट की चार्जिंग के साथ। तो इसकी प्राइस की बात करें, ये आपको 17 से 18 हज़ार के करीब मिल सकता है, 20,000 से कम की प्राइस में ये पाकिस्तान में आएगा। क्या आप इस फ़ोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं? और ये इन्फिनिक्स को टक्कर भी दे सकता है, क्योंकि इन्फिनिक्स के फ़ोन आपको इतना अच्छा चिपसेट नहीं देते। ये अब फ़ोन आना स्टार्ट हो गए हैं रेडमी और रियलमी वगैरह के, जिसमें रियलमी का C11 फ़ोन शामिल है, तो ये इन्फिनिक्स और टेक्नो को टक्कर दे सकते हैं। तो क्या आप इनको प्रेफर करेंगे या इन्फिनिक्स और टेक्नो को, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।